था कि कोरोना वाला चक्कर चलता रहेगा, वो अभी फिर आ गया है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग शुरू से 2020 से ही निरंतर उसमें सक्रिय है। अगर आप देखिएगा कि प्रतिदिन की रिपोर्ट हर दिन हमारे पास आता है और हम लोग बिहार में बाजाबता टेस्ट कराते रहते हैं। माइक छोड़ दीजिए ना, ऑडियो नहीं आएगा, समझ गए ना। अभी भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और देश में जितना टेस्ट हो रहा है उसका 1/4 से ज्यादा टेस्ट हम लोग शुरू से करा रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि कितना टेस्ट हो रहा है। 10 लाख वाला जो आप गिनती करिएगा तो बाकी पूरे देश का एवरेज देखिएगा तो 6 लाख से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ बिहार में जो टेस्ट होता है वो 8 लाख से भी ज्यादा है, 10 लाख की आबादी। तो इतना ज्यादा हम लोग निरंतर टेस्ट करते रहते हैं, प्रतिदिन देखते रहते हैं, जिस दिन 0 भी होता है लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं कि भाई सब जगह टेस्ट कराते रहिए, देखते रहिए, ये अच्छा। तो हम लोग तो टेस्ट करा ही रहे हैं, लेकिन अब इधर फिर बढ़ने लगा, 3-4 जिला का रिपोर्ट आने लगा और पटना प्रॉपर में ही सबसे ज्यादा हो रहा। तो हम तो कह ही रहे हैं कि सब लोगों को अलर्टनेस करना है। अब बाकी दूसरे जगहों पर जहां पहले हुआ था सबसे ज्यादा था, उन जगहों पर तो फिर बढ़ा ही हुआ है, तो अलग बात है। अब आगे जो कुछ भी हो, और हम तो कल जो देखे तो हॉस्पिटल में भी 2 है गया, लेकिन पहले तो हो जाता था लेकिन हॉस्पिटल में किसी को जाने की जरूरत नहीं। अब कल हम देख रहे हैं कि 2 को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो अब स्थिति है, सब तैयारी है पूरी, कोई दिक्कत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।